हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे आवर टॉपिक ऑन कंप्यूटर नंबर सिस्टम। कंप्यूटर नंबर सिस्टम, एज वी नो दैट द कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली डिजिटल लैंग्वेज। व्हेन वी टाइप सम वर्ड्स आर टाइप सम डिजिट टाइप सम लेटर आर टाइप एनीथिंग ऑन द कंप्यूटर, कंप्यूटर कैन ट्रांसलेट इनटू ए नंबर। जब हम कुछ भी टाइप करते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो कंप्यूटर उस चीज़ को क्या करता है, नंबर सिस्टम नंबर में कन्वर्ट करता है। कंप्यूटर सिर्फ जो है नंबर की लैंग्वेज, डिजिटल नंबर की लैंग्वेज ही समझता है, जी आप ध्यान में रखिए। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं कि कंप्यूटर नंबर सिस्टम में हम कौन कौन से नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। फर्स्टली है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम हम कैसे समझेंगे, जिसका बेस जो है वो 10 रहेगा, उसको हम डेसिमल नंबर सिस्टम समझेंगे। नेक्स्ट है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में आपका बेस जो क्या रहेगा, 2। बेस 2 रहेगा तो उसको हम बाइनरी नंबर सिस्टम काउंट करेंगे। नेक्स्ट है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में बेस क्या रहेगा, एज यू नो दैट कि ऑक्टल का मीनिंग क्या होगा, 8। तो नंबर सिस्टम में इसका ऑक्टल का मीनिंग क्या रहेगा, 8। नेक्स्ट है हेक्सा एंड डेसिमल। हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम आपको किस में काउंट करेंगे, आपको 16 में, उसका बेस क्या रहेगा, 16। तो आपने देखा होगा कि आप जब भी आप कंप्यूटर पढ़ते हैं, आप चाहे कोई किसी भी क्लास में कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, आपको बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी का आपको कन्वर्शन सिखाया जाता है। जैसे आप हायर क्लासेस में चले जाते हो तो आपको ऑक्टल का भी आता है, फिर आप हायर चले जाओगे तो आपको हेक्साडेसिमल आ जाएगा, फिर आप देखोगे उसमें पॉइंट सिस्टम भी आ जाता है। तो ये सब आपको धीरे धीरे पढ़ाते हैं। तो इसमें हम क्या देखेंगे, जैसे आएगा कि डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्शन, आपका डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्शन एंड ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्शन। नेक्स्ट आएगा आपका हेक्सा टू डेसिमल कन्वर्शन और डेसिमल टू हेक्सा कन्वर्शन। और भी आ सकता है जैसे आपका बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्शन और ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्शन। नेक्स्ट आपका आएगा, फिर आपका आएगा बाइनरी टू हेक्सा कन्वर्शन और हेक्सा टू बाइनरी कन्वर्शन, देन फिर ऑक्टा टू हेक्सा एंड हेक्सा टू ऑक्टा कन्वर्शन। तो ये आपस में एक दूसरे का कन्वर्शन आपको पढ़ने में आया था। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या रहेगा, 10। तो 10 को हम कैसे डिनोट करेंगे, 10 डिजिट को 0 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, टोटल 10 डिजिट हो गया। नेक्स्ट आपका बाइनरी बेस 2, तो क्या रहेगा, 0 एंड 1। नेक्स्ट ऑक्टल, ऑक्टल का बेस क्या है, 8। तो हम 0 से लेके 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। नेक्स्ट आपका आ गया हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल नंबर का बेस क्या है, 16। तो ये क्या रहेगा, 0 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। और नेक्स्ट क्या रहेगा इसका, अगर 10 डिजिट में आपका आया था ना, 11, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यहाँ तक का आपका एजिट रहेगा। नेक्स्ट जो है आपका ए अल्फ़ाबेट क्या होगा, 10 को डिनोट कर रहा है, बी 11 को, सी 12 को, 13 डी, 14 ई एंड 15 एफ। आज जो हम पढ़ेंगे, आज का जो हमारा है, आज हम किसका कन्वर्शन करेंगे, डेसिमल को। एक डेसिमल नंबर सिस्टम को ले लेंगे और उसको क्या करेंगे, हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे फर्स्टली, देन हम ऑक्टल में, नेक्स्ट उसको डेसिमल में, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। अब सपोज कर लो कि एज इट हमने कोई एक फिगर ले लिया, हम ले लेते हैं 118। ये हमने एक फिगर ले लिए डेसिमल नंबर सिस्टम में, सॉरी। नेक्स्ट ले आया, इसको हम क्या कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी में, इसको हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। नेक्स्ट इसी फिगर को हम क्या करेंगे, डेसिमल को
ऑक्टल में कन्वर्ट करके देखेंगे। थर्ड, हम इसी फिगर को बेस 10 है मतलब डेसिमल में है, और इसी फिगर को हम क्या करेंगे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके देखेंगे। ओके फ्रेंड, तो देखते हैं अभी 118 हमारे पास फिगर है, उसको ले लिया हमने, जिसका जितना बेस होगा, जैसे हमने बाइनरी में निकालना है तो इसको हम बाइनरी से 2 से डिवाइड करेंगे, अगर हमने इसको ऑक्टल में निकालना है तो हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे, अगर हमने हेक्साडेसिमल में निकालना है तो हम इसको 16 से डिवाइड करेंगे। तो फर्स्टली हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 2 से डिवाइड किया था 2, 5 जो 10 एंड 2 9 जो 18, कैरी आपका 0, जितना कैरी आएगा वहाँ सामने लिखते जाएंगे। नेक्स्ट है 2 2 जो 4 एंड 2 9 जो 18, कैरी 1, 2 1 जो 2, 2 4 जो 8, कैरी 1, 2 7 जो 14, कैरी 0, 2 3 जो 6, कैरी 1, 2 1 जो 2 एंड कैरी 1। तो ये हमारा बाइनरी कन्वर्शन हो गया। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, हम नीचे से काउंट करेंगे, कुछ क्या करते हैं गलती करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इस फिगर को छोड़ देते हैं, और फिर क्या करेंगे, ये पूरा उनका जो बाइनरी कन्वर्शन उन्होंने बहुत अच्छा से निकाला लास्ट में, और लास्ट में क्या कर दिया, इस फिगर को छोड़ने से पूरा का पूरा गलत हो गया। तो हम इस फिगर को यहाँ से काउंट करेंगे, हम जैसे 1 1 1 1 1 0 1 1 0, ये हमारा क्या हो गया, बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। जब हम इसको आगे देखेंगे कि बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करना है, तो ये ऑलरेडी चेक भी हो सकता है, तो हम इसको बाद में समझेंगे, लास्ट में हम इसको समझा देंगे आपको कि आपको बाइनरी में डेसिमल से हमने इधर से हमने बाइनरी निकाल दिया। अब ये करेक्ट है नहीं है, इसको हमने चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम एक नॉर्मल एक इजी फार्मूला हम मानते हैं इसको, कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 एंड 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 एंड 2 की पावर 6। आगे भी ले सकते हैं, जब पर हम मैक्सिमम जो है हमारा नंबर सिस्टम, जो डेसिमल नंबर सिस्टम, अगर बहुत बड़ी वैल्यू है तो आगे लेना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ तक ये हमारा आ सकता है। 2 की पावर 0 कितना आता है 1, 2 की पावर 2 2, 2 की पावर 4 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 5 32 एंड 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 64। अप टू आगे इन्फिनिटी तक हम ले सकते हैं जितनी हमारी वैल्यू है, पर हमें पता है कि 118 है तो ये इसी में काउंट आ सकता है हमारा। अभी 118 को हमने सम करना है, जिसको सम करेंगे हम उसको उसकी जगह 1 लिखेंगे, और जिसको हम छोड़ रहे हैं उसकी जगह हम 0 लिखेंगे। जैसे हमने 64 ले लिया, 64 प्लस 32 96, 96 प्लस 16 112, यहाँ तक क्या हो गया 112 हो गया, हमें चाहिए 118। तो हमारे कितने कम पड़ गए, अभी 6 कम पड़ रहा है, तो हमने ये 4 ले लिया, 4 और 2 6, तो कितना हो गया 112 प्लस 6 इक्वल टू 118, और जो बच गया उसको हम 0 लिख देंगे। तो ये आपका सेम आ गया होगा 1 111 0 11 एंड 0। ये हमारा एक चेक करने का हम मान सकते हैं कि मैक्सिमम जो है आपको बाइनरी टू डेसिमल ही पूछा जाता है, तो हम इसको चेक करने के लिए ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अभी हम देखते हैं डेसिमल टू हमारा ऑक्टल में कन्वर्शन। फर्स्टली हमने फिगर ले लिया हमारा 118, जैसे मैंने आपको बताया था जिसका बेस जितना होगा हम उससे उसको डिवाइड कर देंगे, जैसे यहाँ 8 आ गया, तो 8 1 8, 8 4 32, कितना बच गया हमारा कैरी, बच गया 6, 8 1 8 कैरी 6, ये जो हमारा निकल गया 1 6 6। ओके,
अभी हम इसको चेक करेंगे कि हमारा सही है या नहीं है। हमने पहले क्या करेंगे, हमारा जो बाइनरी नंबर सिस्टम है उसको ले लिया, जैसे 1 1 1 0 1 1 0, ये हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम है। इसको हमने क्या किया, तीन तीन का पेयर बना लिया, ठीक। जिसका पेयर नहीं बनता उसको हमने आगे नेक्स्ट में 0 0 उसमें ऐड कर लिया। अभी हम क्या करेंगे, इस यहाँ से हम क्या करेंगे, फर्स्ट तीन जो है डिजिट है वो ले लेंगे, 4 2 1 4 2 1 4 2 1, ठीक। ये हमने तीन डिजिट को ले लिया। अभी हम जहाँ पे जीरो है उसको छोड़ देंगे, बाकी को हम प्लस करेंगे। जैसे 4 इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, यहाँ क्या आ गया 1, 4 और 2 6, इसको छोड़ देंगे कि 0 है, इसको छोड़ दिया 0 है, और ये 4 2 6 क्या आ गया हमारा 1 6 6, ओके। तो ये हमारा सही निकल गया। अब हम नेक्स्ट में चलेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या था, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, फिगर ले लिया हमने अपना, उसको क्या किया 1 6 से डिवाइड करेंगे, 1 6 × 7 कितना आया 1 1 2 आता है, और 1 1 2 को हम कितना कैरी बच गया हमारा 6, तो क्या निकल गया हमारा 7 6 7 6, ये हमारा हेक्साडेसिमल में निकल गया। अभी हमने इसको चेक करना है, सेम वही लेंगे, बाइनरी नंबर सिस्टम लेंगे हमारा, 1 1 1 0 1 1 0। अभी उसमें क्या किया था हमने, ऑक्टल में क्या था, फर्स्ट 3 डिजिट को लिया था। अब इसमें हम क्या करेंगे, 4 डिजिट का पेयर बना देंगे, और यहाँ भी 4 डिजिट का पेयर बना देंगे, और जिसके आगे कुछ नहीं है उसको हम क्या करेंगे, वहाँ 0 लगा देंगे। तो यहाँ क्या आएगा, 8 4 2 1 8 4 2 1। अब जहाँ पे 0 है उसको छोड़ देंगे, बाकी हो गया 4 2 6 और प्लस 1 = 7, यहाँ छोड़ दिया 4 + 2 6, और इसको छोड़ देंगे क्योंकि 0 है नीचे, तो ये कितना आएगा 6, ये हमारा क्या निकल गया 76, ओके ओके फ्रेंड्स। आज की वीडियो हमने क्या किया, डेसिमल पहले कंप्यूटर नंबर सिस्टम कौन कौन से हैं उसके बारे में जाना, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। उसके बाद हमने क्या किया, उनका डेसिमल नंबर सिस्टम को लिया और उसको क्या कन्वर्शन किया सभी में। फर्स्टली हमने कन्वर्शन किया डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में, देन डेसिमल नंबर सिस्टम को ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया, देन थर्ड किया हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को हमने क्या किया, सॉरी डेसिमल नंबर सिस्टम को हमने क्या किया, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हमने कन्वर्शन किया। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, बाइनरी नंबर सिस्टम को लेंगे और उसका कन्वर्शन करेंगे डेसिमल में, देन ऑक्टल में, देन डेसिमल हेक्साडेसिमल में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जय हिंद, जय भारत।